तो देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का एक और कमाल व्लॉग में। तो व्लॉग को शुरू करने से पहले आपके दाएं और बाएं में दो बटन आपको दिख रहे होंगे, एक लाइक का और एक सब्सक्राइब का, दोनों दबा दीजिए। तो ये दोनों बटन दबाने से आपकी आगे की यात्रा सुखदमय होगी। आज थोड़ा यूनिक सा कुछ ट्राई किया, मतलब यूनिक सा एक इंट्रो ट्राई किया और काफ़ी सही भी था। तो आज के इस व्लॉग में वैसे भी हम हवाई सफ़र करेंगे, तो मैंने सोचा कि हवाई सफ़र के जैसा ही क्यों ना एक इंट्रो दिया जाए अच्छा सा। तो हाँ, तो भाई अपने पास आ गया है नया ड्रोन, सबको अभी बजाना होता है हॉर्न जब मैं व्लॉग करूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास आ गया है नया नवेला ड्रोन, और वो ड्रोन कौन सा है वो मैं अभी दिखाऊंगा। मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है, उसको आए हुए तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं, ऑफिस से मुझे आए हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन मैंने व्लॉग करने का इंतज़ार किया, मौसम थोड़ा ठीक होने का इंतज़ार किया, इसलिए मैंने व्लॉग ही नहीं शुरू किया और ना मैंने अनबॉक्स ही की। तो मैंने सोचा कि कैमरे के सामने ही क्यों ना अनबॉक्स किया जाए। तो अभी चलते हैं अंदर, अंदर चल के देखते हैं अपना ड्रोन कैसा है क्या है। मैंने भी नहीं खोल के देखा है, जो अमेज़ोन का जो ऊपर से डब्बा था ना वो भी वैसे ही है, वो भी नहीं खोला है मैंने अभी तक। मतलब देख रहे हो कितना कंट्रोल किया मैंने इस व्लॉग के लिए, तो लाइक बटन दबा दो अभी से। हाँ तो भैया, ये रखा है अपना ड्रोन, इसको हम अभी खोलेंगे। ओह, फाइनली अनबॉक्सिंग टाइम। तो अनबॉक्सिंग के लिए अपना वही खतरनाक टूल यूज़ करेंगे, कुछ भी मिल जाए। और गाइस, ये ड्रोन मेरे को काफ़ी सही रेट में मिल गया है, मतलब जिस रेट में मेरे को मिला है ना, मतलब और 2-4 लोगों को मिला होगा इस रेट में अमेज़ोन से। रात को बुकिंग की थी मैंने इसकी, रात को 11 बजे उठ के। ओके, पहले तो मेरे को लग रहा था कि इतने रेट में तो झोल होएगा, ड्रोन नहीं मिलेगा, लेकिन ड्रोन। तो इसको एक बार साइड में, बिल कितने का है और ये कितने का है वो पता करने के लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ जाके फॉलो करो। तो ये है एकदम नया चमचमाता हुआ DJI Mavic Mini फ्लाई मोर कॉम्बो में इसमें एक्स्ट्रा बैटरीज, प्रोपेलर गार्ड और कंट्रोलर तो होता ही है, एक्सेट्रा कुछ चीज़ें आते हैं, मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली, देखते हैं इसमें। बाकी बाहर ये कुछ लगा हुआ है, जैसे 3 बैटरीज हैं, एक चार्जर है, प्रोपेलर है, केस है, बाकी खोल के देखते हैं। तो अब उसी अनबॉक्सिंग टूल से इसको अनबॉक्स करेंगे। पहले इसके ऊपर एक पन्नी चिपकी हुई है, थोड़ा सा वो तो हटा लेते हैं। और इसकी स्पेशल बात देखो, 249 ग्राम्स ओनली इसका वेट, जो DJI क्लेम करता है। तो इसको उड़ाने में हमें कोई परमिट स्पेशल नहीं चाहिए होता, इसको हम आसानी से कहीं भी उड़ा सकते हैं। तो एक बार फटाफट से इसके बॉक्स पे क्या लिखा है वो बता देता हूँ। इन बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलेगा, एयरक्राफ्ट मिलेगा, रिमोट कंट्रोल मिलेगा, प्रोपेलर मिलेंगे, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, और 360 डिग्री प्रोपेल गार्ड मिलेंगे जो इसको प्रोपेलर को कवर करने के लिए, लेकिन उसको लगा के थोड़ा भारी हो जाएगा, उसके बिना भी उड़ा सकते हैं। कैरिंग बैग मिलेगा, जिसको आप इसको ड्रोन को आप जिस बैग में रखोगे वो वाला बैग मिलेगा। 2-way चार्जिंग हब मिलेगा, जिसमें आप तीनों बैटरी अपनी लगा के चार्ज कर सकते हो एक बारी में, मतलब एक एक करके चार्ज होंगी वो। USB केबल मिलेंगी अलग अलग टाइप की कंट्रोलर से आपके फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए, जिस चीज़ से भी आप उड़ाओगे उसको। और 3 flight batteries, मतलब 3 batteries मिलेंगी। तो एक बैटरी का DJI क्लेम करता है कि इसका 30 minutes का फ्लाई टाइम है, मतलब हमें अराउंड 90 minutes का फ्लाई टाइम मिलेगा, क्या बात है। तो चलो फाइनली बॉक्स की भी टेप को हटाया जाए, हटा दिया है। ये है इसका मेन बॉक्स, DJI Mavic लिखा है सामने, ब्रांडिंग है DJI की। इसके अलावा एक और बड़ा सा बॉक्स है, इसमें शायद प्रोपेलर गार्ड होंगे क्योंकि बहुत हल्का है ये। इसके अलावा एक छोटे छोटे से, ओ भाई इसमें शायद बैटरीज हैं, बहुत भारी है ये। क्या बस लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोडक्ट। और ऑब्वियसली ये मेरे चैनल पे ही है, मतलब मयंक शर्मा वाले चैनल पे, तो ये कोई टेक वीडियो नहीं है, वैसे टेक का ही सामान है तो जो लगाना है लगाओ। तो हमारे पास सबसे पहले नीचे रखा है ये अपना खूबसूरत सा, यार बहुत हल्का है यार ये, तो मेरा फ़ोन का है। ओ भाई, iPhone 11 Pro से भी हल्का है ये, बहुत हल्का है,
क्या बात है भाई, DJI ग्रे कलर में ड्रोन है DJI का। उसके बाद ये रखा है चार्जिंग केस, इसमें बैटरी चार्ज होगी। एक और बॉक्स मिला इसके अंदर, एक्स्ट्रा केबल्स और एक्स्ट्रा कुछ बर्ड्स वगैरह हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा प्रोपेलर इसमें है। और फाइनली हमारा रिमोट कंट्रोलर, ये थोड़ा भारी है, ड्रोन से भारी है, एक्चुअली भारी है ड्रोन से इसका जो कंट्रोलर है। भैया बातें बहुत हो गई, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा कि मैं ड्रोन खोल के दिखा रहा हूँ कैसा है। मैं उड़ा के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, इसकी बैटरी इसको चार्ज करता हूँ। मौसम थोड़ा सा अच्छा होने लगा है, छत पे चल के इसको ड्रोन को टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने अभी लगा दिया ड्रोन को चार्जिंग पे, अभी छत पे चलेंगे थोड़ी देर में, जैसे ही बैटरी हो जाएंगी चार्ज और छत पे चल के इसको उड़ाएंगे और क्या करेंगे। तो इस ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट शुरू होती है इन जस्ट 1, 2 एंड 3। आ गए हैं। ये टी शर्ट कैसे चेंज हो गई, टी शर्ट ऐसे चेंज हो गई क्योंकि आज तारीख भी चेंज हो गई है। कल रात को बैटरी नहीं, ड्रोन चार्ज हो पाया इतनी जल्दी। मुझे लगा था ड्रोन हो जाएगा चार्ज, पर इतना नहीं हुआ कि मैं शॉर्ट्स ले सकूं आपको दिखाने के लिए। और मैं कल सीख भी रहा था कि इसको कैसे उड़ाएं। तो आज अगला दिन है, शाम हो चुकी है, मैं आया हूँ ऑफिस से अभी अभी। देखो मैंने चेंज भी नहीं किया अभी तक, जो पहना था वैसे ही है। तो मैं आके बस थोड़ा सा रेस्ट करके पानी वानी पी के मैं छत पे आ गया सीधा, और अब करेंगे ड्रोन टेस्ट। तो गाइज ये थी ड्रोन की पहली फ्लाइट आप लोगों के सामने। और भाई पहली बात बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी लग रहे थे मेरे को हाथ के आसपास घूमते हुए, पर जैसे तैसे मैंने उड़ा लिया है ड्रोन। और अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ तो मैं ज़्यादा दूर नहीं ले जाता इसको। मैंने पहले ही एल्टीट्यूड पे सेट कर दिया कि 20 मीटर से ज़्यादा ये ऊपर ना जाए, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी ऊपर हूँ, छत पे हूँ मैं अपने टेरिस पे, 4th फ्लोर पे ये टेरिस है। और इसके बाद मैंने 20 मीटर और एल्टीट्यूड सेट कर दिया, जो कि अभी मेरे हिसाब से काफ़ी था। आने वाले टाइम में, आने वाले व्लॉग्स में आपको इससे अच्छे काफ़ी अच्छे सारे शॉट्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी ड्रोन, नहीं कैसा लगा ये ड्रोन। तक की सवाल है प्राइस का, इसका कितने का पड़ा, मेरे को पता है कि आप लोग पूछोगे, आप लोग जानना चाहोगे कि मैंने कितने में लिया ये। वैसे तो इसकी इंडियन प्राइस में 70,000 की वैल्यू है, जो अभी अमेज़ोन पे मिल रहा है 70,000 का ये। पर आई एम श्योर कि आप लोग जानना चाहोगे कि मैंने कितने में लिया, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी डील मिली है बिकॉज ऑफ अनमोल। रात को 11:30 बजे उसने मेरे को फ़ोन करा है। बाकी पूरी स्टोरी मैं कभी फिर किसी ब्लॉग में बताऊंगा इस ड्रोन के पीछे लेने की क्या थी। लेकिन अभी जो प्राइस की बात है वो मैं बताऊंगा इंस्टाग्राम पे, तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं पूरा बता दूंगा कितने का लिया, कैसे लिया, कहाँ से लिया इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और बाकी अब जब हम ट्रिप पे जाएंगे या फिर कहीं पे जाएंगे, क्योंकि ये ड्रोन उड़ाना अलाउड है हर जगह पे, इसका 249 ग्राम है तो ये टॉय कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी इमेज दे देता है ये भी, तो हम इसे यूज़ किया करेंगे जब मैं और अनमोल कहीं पे ट्रिप पे जाएंगे, या मैं जाऊंगा या अनमोल जाएगा तो वो भी लेके जाएगा ये ड्रोन।
मज़े आएंगे, मतलब कुल मिला के ड्रोन शॉट्स काफ़ी हमें देखने को मिलेंगे। बाकी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं पसीना पसीना हो गया हूँ, पूरा भीग चुका हूँ ये व्लॉग बनाने के लिए और ड्रोन उड़ाने के लिए आया था स्पेशली। 6:30 बजे हैं अभी, थोड़ा सा और ड्रोन उड़ाऊँगा, एक दो शॉट्स लूँगा, उसके बाद नीचे जाके अच्छा सा शावर लेके थोड़ा सा सुकून मिलेगा। भाई बहुत गर्मी है आज, और ड्रोन में बैटरी ना होने की वजह से एक दिन व्लॉग भी लेट हो गया है। ये आज व्लॉग डल जाना चाहिए था जब मैं शूट कर रहा हूँ ये अब, लेकिन ये व्लॉग डलेगा एक दिन बाद, मतलब मैं कल आज या कल इसको एडिट करूँगा और कल फिर डाल दूँगा। और हाँ भाई, ये बताओ कि किस किसने सुशांत की लास्ट मूवी दिल बेचारा देखी यार? मतलब बहुत अच्छी मूवी थी, मेरे हिसाब से उसको थिएटर पे लगना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं लगी पाई वो। पर जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छी मूवी थी, सबने अच्छी एक्टिंग की थी, और जितने भी बाकी के एक्टर्स थे उसमें उनका सबका फ्यूचर ब्राइट है, अगर बॉलीवुड का कुछ फ्यूचर रहता है तो बॉलीवुड का, क्योंकि कोरोना टाइम में तो सबकी बैंड बजी हुई है, इवन दो बॉलीवुड वालों की भी बैंड बजी हुई है। पर कोरोना दिल्ली में सबसे अच्छी तरीके से ठीक हो रहा है, 88% जो मैंने कल देखा था, 88% रिकवरी रेट है दिल्ली में। क्या बात है, क्या बात है, हम अभी तक ऐसी ही गालियाँ दे रहे थे दिल्ली वालों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, क्या बात। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर व्हाटएवर रीज़न लाइक का बटन दबाना मैंडेटरी है, लाइक दबा देना, अगर पसंद ना आई हो तो भाई डिसलाइक का ऑप्शन भी है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें क्या दबाना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे किसी अगले व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज टेक केयर माय फ्रेंड्स। Personal, I ain't lying, I ain't hiding, I've been grinding, multiplying, I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, 'cause baby, I'm on hiatus, I'm on hiatus, I'm on hiatus, I'm on hiatus, uh-huh. Baby, don't check for me, taking time out to be building. It's my season, lay foundation, make a name for generations, please, and make a, and take a break, or a little vacation, and chasing blues away. Hey, hey. You always posting up pictures, trying to look like you winning, or look like you always be working, soaking the moments you live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. You got my number, don't add me, 'cause baby, I'm on hiatus, I'm on hiatus, I'm on hiatus, I'm on hiatus, uh-oh. Baby, don't check for me.